अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने जमान में रखे सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज जनाब मैंने किचन में बनाई थी बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है तो हमारी सेहत के लिए भी, और रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है और एक ज़बरदस्त किस्म का एनर्जी बूस्टर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखें ये मैंने कैसे बनाई। इसके लिए मैंने लिया था तकरीबन 1.5 कप जो है वो डेट्स ली हैं, खजूरें जिनकी मैंने अंदर से जो सी हैं वो निकाल दिए थे, और फिर ये ड्राई फ्रूट लिए हैं जिनमें कोकोनट है, पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट है और थोड़े से तिल हैं। इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे जी डेट्स के अंदर। तो देखिए फिर मैंने ये कैसे बनाई थी, बहुत ही इजी रेसिपी है। तो सबसे पहले मैंने पैन लिया, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के देसी घी का डाल लिया और उसके अंदर ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स थे ना वो मैंने डाल दिए, जिसमें थे बादाम थे, काजू था और पिस्ता था और अखरोट थे। ये सारे ड्राई फ्रूट डाल के मैंने इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया अच्छी तरह, और भूनने के बाद फिर मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। इसके बाद इसी पैन में मैंने 1 टेबलस्पून भर के दोबारा देसी घी का लिया और उसके अंदर मैंने वो जो डेट्स थी ना सीड्स निकाल के रखी हुई वो मैंने इसके अंदर डाल दी, और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए ये देखिए शैलो फ्राई कर लिया। आप चाहें तो डेट्स को पहले ग्राइंड कर लें और बाद में इसको फिर घी के अंदर इस तरह से शैलो फ्राई कर लें। तो उसके बाद फिर जो ड्राई फ्रूट मैंने ये देखे भून के रखे हुए थे वो फिर मैंने एक ग्राइंडर के अंदर डाले और उनको ग्राइंड कर लिया इस शक्ल में। इसको थोड़ा मोटा मोटा ही रहने दें तो ये मुंह में जब आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो फिर इसके ग्राइंडर के अंदर मैंने वो जो डेट्स थी ना वो भी डाल ली और उनका इस तरह से पेस्ट सा एक बना लिया। और इस स्टेज पर फिर मैंने जब दोनों चीज़ों को ग्राइंडर कर लिया तो 1 टेबलस्पून भर के मैंने तिल जो होते हैं ना वो भी इसके अंदर डाल दिए, और फिर मैंने इसको ये देखिए अच्छी तरह मिक्स कर लिया। चमचा रखा मैंने, कहा कि हाथ के साथ मिक्स करते हैं, देसी चीज़ है तो देसी तरीके से इसको बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह हाथों के साथ इसको मिक्स करके तो इनके इस तरह से बॉल बनाने शुरू कर दिए। आप चाहें तो जो मर्जी शेप इसको दे सकते हैं, मैंने बॉल्स बना लिए थे, मुझे यही ईजी लगा। तो हाथों को थोड़ा सा ऑयल या देसी घी लगाएं और ये बॉल बना लें। बॉल बनाने के बाद फिर मैंने वो जो कोकोनट था ना क्रश किया हुआ वो मैंने इस तरह से इन बॉल्स के ऊपर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा लगा दिया, इसकी जो टेस्ट बेहतर करने के लिए और इसकी जो शक्ल और सूरत है ना वो इसको बेहतर करने के लिए। तो ये देखें मेरे बॉल्स जो थे ना वो बनके रेडी हो गए। मैं कहती हूँ बड़े ही मज़े के बने थे। इस शुगर भी इसके अंदर जो है ना वो परफेक्ट थी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी शुगर 2-3 चम्मच जो है ना वो ग्राइंड करके डाल सकते हैं जब इसके आप बोल बनाने लगें। तो मैं तो कहती हूँ ऐसे ही खाएं तो ये बहुत मज़े के लगते हैं, बच्चों और बड़ों के लिए सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको 1 कप गर्म दूध के साथ 2-3 बोल जो है वो एवरी डे खाएं तो सारा दिन बॉडी में एनर्जी रहेगी। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।